रामचंद्र रघुनाथ जगत शरण्य राजीव लोचन धनुर्धर रावणारे सीतापते रघुपते रघुवीर राम त्रायस्व केशव हरे शरणागतम नाम। जिस क्षण की प्रतीक्षा अनेक शताब्दियों से हम सभी सनातन धर्मावलंबी कर रहे हैं, लाखों संत महापुरुषों की तपस साधना, करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की प्रतीक्षा का प्रतिफल एवं हजारों कार सेवकों के बलिदान का प्रतिफल हम सभी को भाद्र कृष्ण द्वितीया 5 अगस्त को इस अद्भुत रूप में प्राप्त होने जा रहा है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली श्रीधाम अयोध्या जी में निर्मित होने वाले दिव्य भव्य श्री राम मंदिर का भूमि पूजन, अनेक संत महापुरुषों आचार्यों के सानिध्य में हमारे इस राष्ट्र के परम यशस्वी संकल्प सिद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे संत समाज के गौरव गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों के द्वारा ये जो भूमि पूजन होने जा रहा है, निश्चित मानिए उस दिवस उस परम पावन सरयू के तट पर केवल मात्र मानवों की ही उपस्थिति नहीं अपितु समस्त देवलोकों से देववृंद भी, यक्ष गंधर्व किन्नर बड़े बड़े यमलात्मा महात्मा योगिंद्र मुनिंद्र उस श्रीधाम अयोध्या जी में पधार कर स्वयं को परम सौभाग्यशाली अनुभव करेंगे। मैं घर घर में सनातन धर्म की धारा को प्रवाहित करने वाला आस्था चैनल इसके माध्यम से सभी सनातन धर्मावलंबियों को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को मैं बधाई देता हूँ कि हमारे परमाराध्य भगवान श्री राम की जन्मभूमि का भूमि पूजन जो होने जा रहा है यह एक ऐसा अद्भुत अद्वितीय कार्य होने जा रहा है कि जिसके द्वारा केवल भारतवर्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में व्याप्त ये जो विभीषिका है, ये जो महामारी है, इसका शमन आप निश्चित मानिए 5 अगस्त के उपरांत इस विभीषिका का शमन होना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसी मंगल कामना करते हुए इस परम दुष्कर कार्य के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा विश्व हिंदू परिषद के समस्त कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समस्त कार्यकर्ता, बजरंग दल एवं अन्यान्य समस्त हिंदू संगठन और परोक्ष अपरोक्ष रूप से जिन सभी का भी योगदान इस राम जन्मभूमि के लिए प्रारंभ से रहा है, वह समस्त कार्यकर्ता अनंत बधाई के पात्र हैं। जितनी भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए, जितनी उनको बधाई दी जाए, वस्तुतः कम है। उन सभी के लिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के युगल चरणारविंदों में यही अभ्यर्थना कि उनके इस परिश्रम को, उनकी इस सेवा को उनके चरणारविंदों में सदैव स्थान प्राप्त हो। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, जय श्री राम।